नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ, डीएड और बीएड को लेकर आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में डीएड वाले आवेदन कर सकते हैं, बीएड वाले। मैं सारी जानकारी यहाँ पर आपको बताऊँगा कम्प्लीट नोटिफिकेशन के माध्यम से, और यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकता है, कब से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होनी है, एग्जाम डेट क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा, तो आप वीडियो के अंत तक रहिएगा। जी हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए तुरंत आप सब्सक्राइब कीजिएगा इसके, और बेल आइकॉन जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आज ही जारी किया गया है, यहां पर देखते हैं हम। सो फाइनली आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। यहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024, है ना। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जनजातीय कार्य विभाग स्कूल शिक्षा विभाग संयुक्त पात्रता परीक्षा ही रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि आप मोस्ट देखिएगा यहाँ पर, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होना है, 1/10/2024 से 15/10/2024 तक। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी में अगर आवेदन संशोधन की तिथि में जाएंगे तो 1/10/2024 से 20/10/2024 तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे संभावित जो परीक्षा की तिथि है आपकी 10/10/2024 से यहाँ पर परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी। परीक्षा आपको ऑनलाइन के माध्यम से देनी होगी, आपको पता है सीबीटी के माध्यम से। और यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षा पाली दो पालियों में होगी, प्रथम और द्वितीय पाली में। प्रथम पाली होगी 7 बजे से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, इसके अलावा दूसरी पाली में 12:30 बजे से 1:30 तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। और यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। स्पष्ट कहा गया है कि एक बार अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके जीवन काल में इसको पात्रता परीक्षा दोबारा देने की जरूरत नहीं है। आपको पात्रता परीक्षा से शिक्षक पात्रता परीक्षा में वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य कि 2020 में अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको दोबारा देने की आपको जरूरत नहीं है। स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि SC ST OBC में आपको क्वालिफाइंग मार्क कितने होते हैं, मैं आपको बता देता हूं एक मिनट। यहां पर देखेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी से ओनली बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर आपको भी पता है। इसके अलावा अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं या EWS से हैं तो आपको 75% यहाँ पर 75 नंबर आपको लाने होते हैं 150 में। क्लियर है, तो यहाँ पर आप स्पष्ट रखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति है तो विज्ञापन द्वारा जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, जो यहाँ पर अर्हता आ रही या बोल सकते हैं जो पास होंगे, है ना, उसके बाद चयन परीक्षा होगी। नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रक्रिया राज्य शासन के द्वारा वेबसाइट पर निर्दिष्ट की जाएगी, स्पष्ट रूप से कहा गया है। परीक्षा शहर की बात कर लेते हैं, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर यहाँ पर आप देख सकते हैं, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन रहेंगे परीक्षा शहर आपकी। आवेदन की तिथि यहाँ पर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा आवेदन की तिथि तो आपको पहले बता दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ESB की वेबसाइट पर आपको आवेदन करना होगा। कुछ दिनों में ही आपको ESB की वेबसाइट पर इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सारा का सारा सिलेबस रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी उसमें, आपको A to Z जानकारी रहेगी। ये अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से ESB ने पब्लिश किया है। अनारक्षित के लिए जो अभ्यर्थी की फीस रहेगी 500 रुपये रहेगी। अगर आप केवल SC ST केवल मूल मध्य प्रदेश के निवासी हैं, SC ST OBC पिछड़ा वर्ग EWS से हैं, दिव्यांगजन हैं, तो आपको 250 रुपये आपको पे करना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन क्योस के माध्यम से ऑनलाइन भरने हैं तो अभ्यर्थी होती MP ऑनलाइन का पोर्टल जो रहेगा चार्ज 60 रुपये रहेगा। अगर आप अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉग इन करते हैं तो 20 रुपये आपका पोर्टल चार्ज रहेगा। क्लियर है। सो यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये थोड़ा लंबा है और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा संख्या में कमेंट थे कि सर आप बीएड और डीएड वाले कौन कौन से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीएड और डीएड की बात कर लेते हैं। आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं, तो आप बीएड वाले जितने भी रहेंगे इससे बाहर रहेंगे, बीएड वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करता हूँ डीएड और डीएलएड की, है ना। डीएड और डीएलएड दोनों आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको याद रखना रहेगा कि डीएलएड अगर आप रनिंग में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं तो इस प्रकार का अभी कोई अपडेट नहीं है कि आप रनिंग में हैं, फर्स्ट ईयर है, फाइनल है, रनिंग वाले डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, वो नोटिफिकेशन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ESB की वेबसाइट में नोटिफिकेशन आता है तो आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा कि रनिंग में है डीएलएड या अभी आपका डीएड, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है 1 से 2 दिन का, जल्द ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ये भी आपको बता दिया जाएगा।
सो आज के इस वीडियो में यही अपडेट था दोस्तों। चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार के अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।